गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम आपको आपका चैप्टर नंबर 10 पास होने के पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो अपने पापा से चुप करके उनका पास लेकर के और अंदर प्रवेश कर जाता है, तुरंत के अंदर प्रवेश कर जाता है। वहाँ पर अंदर जाना उसको मना होता है, लेकिन वो अपने पापा की नजर चुरा करके उस पास को ले जाता है और उसका टाइटल भी पास नजर से। ठीक है, हम पढ़ेंगे पर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम पूरी शक्ति
जल्दी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं उन्हें यंत्र हमारे हम यहाँ जमीन के नीचे पी रहे थे। यंत्र प्रकाशन करते रहे इसके लिए बड़ी सफलता बरतनी पड़ती है। मुंह जैसे कुछ सुंदर लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हो कहते हैं कि पापा कि जो लोग वहाँ पर काम करते हैं वो यंत्रों का ध्यान रखते हैं यंत्र कैसे चलते हैं कि परेशानी नहीं हो ये सब काम करते हैं। दूसरे लोगों के पापा काम कर रहे हैं देखा तो बदलाव होगा वातावरण को बदला बदलाव करता शिक्षक कथा तरफ जा रहे छात्र समूह ने टीवी स्क्रीन का इशारा किया जिस पर एक बिंदु लग रहा था वह बताने लगा यह भी आसमान का काम नहीं है। श्री कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह पे अड़े नहीं रहा अड़े कम रहे इससे नहीं है। प्रत्येक तंत्र द्वारा उसने अपनी जगह बदली है कंप्यूटर जैसा कि हमारे बच्चे की तरह पढ़ता चला आ रहा है। अंत में लिखा है कि टीवी से दिख रही है एक विचार में यहाँ पर अंतिम ज्ञान तो नहीं है प्रभु के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया संदेह हमने की है आप सब बराबर ध्यान रखिएगा प्रभु के पापा को सुनना चाहते क्या सचमुच तो अंतिम ज्ञान होगा कहाँ भी आ रहा होगा सौर मंडल में हमारे ग्रह के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा कैसे हो सकता है और होगा इस प्रकार की प्रकृति का सत्ता होगा कि अंतिम ज्ञान हो सके वैसे तो हमारे जीवन में ज्ञानों पापा उसका अनुरोध सुन लेते थे यहाँ से अंतिम चौहान
जारी है उसको बढ़ाकर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। Thank you.